माफिया अतीक अहमद की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस बात को 9 दिन हो गए। उसकी मौत के बाद कई कहानियां सामने आ रही, कई ऐसे राज खुल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे अतीक अहमद के उस वक्त में जुल्म की इंतहा हो रही थी। एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के मोबाइल से एक एक कर कई बड़े राज खुल रहे हैं। पुलिस को जो मोबाइल फोन मिला है उसमें एक वीडियो भी मिला है, और ये वो वीडियो है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इस वजह से हमने ब्लर कर दिया। मकसद आपको दिखा करके आतंकित करना नहीं है, बस मकसद ये है कि ये बताना कि इस तरीके से भी होता था, खौफ का ये भी एक समय था। एक वीडियो है जिसमें तारीख 19 जनवरी 2021 लिखी। वीडियो में एक व्यक्ति को नंगा करके बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, लात घूंसों से बेल्ट से उस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। वीडियो लखनऊ के एक फ्लैट का बताया जा रहा है जहां असद रहता था। वीडियो में 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इस वीडियो में असद नहीं दिख रहा। हो सकता है कि वो ये वीडियो शूट कर रहा हो, अभी इसकी जांच चल रही है, ये हमको नहीं मालूम। वीडियो में एक लड़का जो जमीन पर बैठा है उसे बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में यह पता चला कि असद के फ्लैट में इस तरह लोगों की पिटाई की जाती थी। उसका वीडियो बनाया जाता था और व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कर दिया जाता था ताकि लोगों के मन में एक डर रहे, एक दहशत फैला रहे कि अगर आपने पंगा लिया तो ऐसा हश्र होगा। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी नितिन गुप्ता हम तक लेकर के आ रहे हैं। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक के दफ्तर के अंदर एक चाकू मिला, फर्श पर खून के छींटे भी मिले, कुछ कपड़ों में खून भी लगा हुआ है। पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही। पुलिस को आशंका है कि चोरी की मंशा से कुछ चोर घुसे होंगे और उनमें आपस में चाकूबाजी हुई। आप सोचिए, यहां अतीक की मौत हुई नहीं कि वहां घर में चोरी शुरू और चोरों में संभवतः लड़ाई शुरू हो गई। अभी फोरेंसिक जो है वो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट कर पाएगी कि असल में हुआ क्या था उनके घर। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए, देखिए 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में तमाम चीजें सामने आ रही हैं, अलग अलग सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी भी 12 मूल प्रश्न अतीक और अशरफ हत्याकांड पर वो अभी भी बने हुए हैं। 9 दिन बाद अभी भी ये 12 सवाल, पिछले हफ्ते हम ये 12 सवाल का संकलन आप तक लेकर के आए थे, आज वो 12 सवाल हम सोच रहे थे एक बार फिर से जांच एजेंसियों को याद दिला दें कि ये क्या 12 सवाल। तो आइए ये सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हत्या करने वाले शूटरों का असली मकसद क्या था? हमको ये मकसद अब तक नहीं मालूम है। हमको अब तक ये जानकारी मिल रही है कि कोई लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता था, कोई अतीक की गैंग में ही शामिल होना चाहता था लेकिन उसके बाद शामिल नहीं हुआ और उसी से प्रेरित था, उसी से प्रेरणा ली थी और इस वजह से हत्या कर दी। लेकिन इससे मोटिव साबित नहीं होता, मकसद साबित नहीं होता। तो ये जांच के 9 दिन बाद भी अभी तक हमें नहीं मालूम है। पुलिस की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें ये चीजें पता लग सके। सवाल नंबर 2, हत्या के लिए आधुनिक और महंगी पिस्तौल किसने दी? आप सोचिए, जिगाना पिस्तौल जिसकी कीमत 6-7 लाख बताई जाती है, वो इन गरीब शूटरों के पास कहां से आई, इन लोगों के पास कहां से आई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 3, तीनों शूटर यूपी के अलग अलग इलाकों से थे, एक साथ कैसे है? एक हमीरपुर का, एक कासगंज का, आप ये सोचिए, एक बांदा का, तीन अलग अलग जगहों के शूटर, ये तीनों एक साथ कैसे है? इनको साथ लाने वाला मास्टरमाइंड कौन है? सवाल नंबर 4, इसकी भी जानकारी अब तक हमको मिली नहीं है। इन तीनों शूटरों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पिस्तौल चलाई, अब लगातार आप जितने भी एक्सपर्ट से बात कीजिए वो ये बताते हैं कि जिस तरीके से ये गोली दाग रहे थे ना, हाथ कांप नहीं रहा था इनका, और बंदूक को चलाने का एक तरीका होता है
और इन लोगों को वो बखूबी आता था, इनको पता था कि बंदूक कैसे चलानी, जब झटका लगेगा तो हाथ कैसे रखना है। ये ट्रेनिंग किसने दी? रिपोर्टर बनने की तो ट्रेनिंग हमें पता चली, यूपी पुलिस अपनी जांच में बता रही है, लेकिन बंदूक चलाने की ट्रेनिंग किसने दी? मास्टरमाइंड कौन है इनके पीछे? ये चौथे सवाल का जवाब अब तक नहीं आया है। सवाल नंबर 5, उमेश पाल हत्याकांड का एक और आरोपी गुड्डू मुस्लिम कहां है? सवाल 6, काफी समय असद के साथ रहा गुड्डू मुस्लिम कहीं मुखबिरी तो नहीं कर रहा है? ये एक सवाल यूपी पुलिस से पूछा जा रहा है कि क्या उसको प्रोटेक्ट तो नहीं किया गया है, क्या उसी ने तो नहीं बताया कि कहां था असद, कहां था जिसके बाद फिर एनकाउंटर हो गया, मुठभेड़ हो गई, क्या उसी ने तो नहीं प्लान किया है हत्या? अब हत्या से पहले अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताना चाहता था, यह अगला सवाल है, सवाल नंबर 7। क्योंकि अगर आप वो सुने तो जब गोली चली उससे पहले अशरफ और अतीक दोनों ये कह रहे थे मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद फिर बंदूक चल गई, तो ये बात क्या है ये अभी भी नहीं मालूम है। अटकलें लग रही हैं, कयास लगा रहे हैं लोग, लेकिन पूरी तरीके से हमें नहीं मालूम, पुलिस को बताना है, 9 दिन हो गए अभी तक तो नहीं पता चला। सवाल नंबर 8, अशरफ जिस पत्र का जिक्र कर रहे थे वो कहां है? दरअसल अशरफ ने, अतीक और अशरफ ने पुलिस कस्टडी में रहते हुए मीडिया से बात करते हुए ये बोला कि हमें तो एक बड़े अफसर ने ये बोला है कि तुमको तो निपटा दिया जाएगा, और अगर हमें कुछ हुआ हम वो एक पत्र जो है वो हमारा पत्र पहुंच जाएगा न्यायालय में और मुख्यमंत्री के पास। तो सवाल नंबर 9 ये है कि अशरफ ने जिस पत्र का जिक्र किया उसमें किस अफसर का नाम है, कौन है वो यूपी पुलिस का अफसर जिसने धमकी दी थी, कथित तौर से धमकी दी थी, क्योंकि एक गैंगस्टर था जो कि ये आरोप लगा रहा था, तो उस पत्र में क्या है ये जानकारी हमें नहीं मिली। 10वां सवाल है कि लगातार 3 रात मेडिकल टेस्ट के लिए क्यों ले जाया गया। 11वां सवाल, अस्पताल से कुछ कदम पहले ही मीडिया से बात करने की इजाजत क्यों दी गई, आप गाड़ी अंदर तक ले जा सकते थे। और सवाल नंबर 12 कि साबरमती से कड़ी सुरक्षा में लाए गए अतीक और अशरफ को प्रयागराज में उनकी सुरक्षा एकदम से घटा क्यों दी गई। आप सोचिए कि साबरमती से जो चले आ रहे हैं उनकी वैन में बायोमेट्रिक सिस्टम है, 12-13-14 गाड़ियां चल रही हैं एकदम धनधनाते हुए, लेकिन प्रयागराज में आते ही सुरक्षा एकदम ढीली, सुरक्षा घेरा जो है वो एकदम छोटा, और जब पुलिस सीन रिक्रिएट कर रही थी उस समय ज्यादा पुलिस बल थी बजाय इसके कि जो 9 दिन पहले। अब ये सब सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन इस बीच दूसरी बार इस प्रकरण पर बात करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और फिर शामली में जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये कहा है कि रंगदारी न फिरौती, यूपी नहीं है किसी की बपौती। आगे उन्होंने ये कहा कि यूपी में अब कर्फ्यू नहीं लगता, कांवड़ यात्रा इसकी पहचान बन चुकी है, यूपी अब भयमुक्त हो चुका है, अब माफिया नहीं महोत्सव हमारी पहचान बन चुकी है। आज भाइयों बहनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा याद है ना, आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना, माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए, 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी, वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं,
कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार और देश रत्न निगम, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में अभी भी कुछ 12 महत्वपूर्ण सवालों के प्रश्न जो हैं, 12 प्रश्न हैं, उनके जवाब नहीं मिले हैं, जानकारी नहीं मिली है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल, ये पहले दिन से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब देने को कहीं, जहां से जवाब आना चाहिए कि जवाब नहीं आता। और इससे और जाहिर है कि इस तरह की जब चीज होती है तो शक पैदा होता है कि क्या वजह है, कोई भी सवाल पूछेगा। और ये सवाल ऐसे हैं कि सिवाय किसी ब्लाइंड आदमी के बाकी सबके दिमाग में सवाल उठेंगे। जिसको नहीं देख सकता है वो नहीं पूछेगा सवाल, उसके बाद में ही सवाल का जवाब आता है तो वाकई में फिक्र की बात है कि क्या वजह है, कि क्या पुलिस के जिस तरीके का जो पुलिस का रवैया रहा है। सबसे अहम सवाल यही था कि जब साबरमती से लाए तो इतनी हाई सिक्योरिटी, उससे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन शायद किसी क्रिमिनल का नहीं रहा होगा। इतना बड़ा क्रिमिनल था, इसमें कोई शक नहीं है, घिनौना क्रिमिनल। लेकिन उस गढ़ में आकर के, जो उसका अड्डा था, जहां पे उसका आतंक था, उस जगह आके सडनली सारे गार्ड्स खत्म हो जाते हैं। वहां पे उसको ऐसे ट्रीट किया जाता था कोई मामूली जेब कतरा हो, कि उसको लेके आ गए, बाहर उतार दिया। ये सब चीजें इस सवाल उठाती हैं कि क्या कर रही थी, क्या फैसिलिटेट कर रही थी। जिस तरीके से वहां का जो टीम थी 17 लोगों की, पहली चीज तो हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं थी, वो ट्रीट जेल में या लॉकअप में जहां भी जाते तो डॉक्टर आ सकता था। दूसरी चीज आप देखिए, बात बात एक और सवाल है, मैं क्योंकि बीच में आपका ऑडियो किया था हमारे से, तो एक सवाल और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूछने वाला है कि पुलिस ने उनकी पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली जब पहली बार ले गए थे, जुडिशियल रिमांड ली, जो बड़ा अनयूजुअल है। इतने कोई मर्डर में इतना ब्रॉड डेलाइट ही मर्डर कहेंगे उसको, जिस तरीके से हुआ, उसके बाद आप उनको जेल भेज दे रहे हैं आराम से, ये सब क्या दर्शाता है। ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा पुलिस को, और नहीं देंगे तो इससे नेचुरली किसी को कोई सिंपति नहीं है अतीक से। और जब भी कोई क्रिमिनल मारा जाता है, मरता है, तो लोग जनरली खुश होते हैं, और अच्छी बात है, एक क्रिमिनल कम हुआ तो अच्छा है। लेकिन कोई एक तरीका है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको अगर हम ताक पर रख देंगे तो कल ये, आज तो किसी एक के साथ हो रहा है, कल दूसरे के साथ होगा, कल हमारे आपके साथ होगा, फिर क्या हो। बिल्कुल, तो इतना अनब्राइडल्ड हो जाए, बिना लगाम के बेलगाम हो जाए वो जो गार्जियंस ऑफ लॉ कहे जाते हैं जी। मैं देश रत्न निगम जी, देखिए आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, आप एडवोकेट हैं, और आप जानते हैं रूल ऑफ लॉ की अहमियत। कानून का राज जो है वो हमेशा स्थापित होना चाहिए, और ऐसे वक्त में अगर पुलिस कस्टडी में एक क्रिमिनल, और मैं बार बार ये चीज शरद प्रधान जी भी बोल रहे हैं और हम भी दोहरा दें कि ये 12 सवाल उठा करके कोई हम अतीक और अशरफ के की हिमायत नहीं कर रहे, कोई उनकी तरफ से हम दलील पेश नहीं कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा कानून देता, ये सवाल पूछा जा रहा है। सजा इस तरीके से ना दी जाए कि एक गैंगस्टर को निपटाने के लिए प्रदेश में एक और गैंगस्टर जन्म ले रहा है, ऐसे में तो गैंगस्टर कभी खत्म ही नहीं होंगे, फिर काहे का कानून का राज। संकेत जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं ऐसे माफिया डॉन का जिसका अंत हुआ, और वैसे कई सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, झंडा भी फहरा रही है उनके नाम पे, उनको शहीद और बलिदानी भी बोल रही हैं। कम से कम हम लोग एक बहुत अच्छा डिबेट कर रहे हैं वहां पर, और जो सवाल आपने उठाए वो बहुत ही मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण सवाल है, और उनका जवाब चाहिए। क्या उनका जवाब ढूंढा जा रहा है या नहीं ढूंढा जा रहा, हमें ये इस पर विचार करना है। दो हाई लेवल SIT बन गई हैं और दो जुडिशियल पैनल भी बन गए, एक झांसी में जो एनकाउंटर हुआ और दूसरा अतीक अहमद के ऊपर जो अपराधी गतिविधि और कार्रवाई हुई, और तीन ये जो लड़के हैं अपराधी हैं जिन्होंने उनकी हत्या करी, सरेआम हत्या करी। तो देखिए, चूक तो हुई है, और पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर से चूक हुई है या जानबूझ के की गई है, ये मैं समझता हूँ जांच का विषय है, और ये सवाल धीमे धीमे निकल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकल के आएंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी से करने से देखिए निष्कर्ष पर पहुंच जाना वो भी अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे से उसकी कार्रवाई करिए,
जांच करिए और उनको पकड़ के लाइए और कानून के सामने लाइए। देखिए हमारे यहाँ कानून का राज, जैसे आपने बोला, रूल ऑफ लॉ है और उसी के तहत ही कार्रवाई होती है। सजा का अधिकार देना सिर्फ न्यायालय के पास है और किसी के पास नहीं है। पुलिस का काम है उनको पकड़ के कोर्ट के सामने लाना और उनको ऊपर उनके ऊपर मुकदमा चलाना और सारे साक्ष्य और तथ्य कोर्ट के सामने रखने। वो अपना चार्ज फ्रेम होगी और चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद न्यायालय फैसला करेगा। इसमें तो देखिए दो राय नहीं है। और यूपी में जो ये हुआ इसके देखिए तथ्य जानना बहुत जरूरी है। कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये इसकी सुपारी दी? पर्दा उठना चाहिए। क्या कुछ राजनीतिक दल भी इसमें शामिल है? क्या वो कुछ ऐसे राज बता के गया है या बताने वाला है? जिस तरह से उसने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, जिस तरह से फेक आधार कार्ड है, और यहाँ तक कि उनका जो वकील है उसको भी आज कॉन्स्पिरेसी के तहत उसके ऊपर भी धाराएं लगाई गई। वैसे वो ऑलरेडी उसको सजा मिल चुकी है 2006 के जो उमेश पाल का जो किडनैपिंग थी उसमें उसको ऑलरेडी आजीवन कारावास मिला हुआ है उस लॉयर को। तो ये बहुत गंभीर मामले, अगर लॉयर भी शामिल हो जाए तो मैं तो खुद भी शॉक दूंगा। अगर एक लॉयर भी इस तरह के अपराध में शामिल हो जाता है तो रूल ऑफ लॉ कहीं ना कहीं डेंट होता है। देखिए लॉयर्स का काम बड़ा साफ है, किसी ने अपराध किया है उसको भी बचने का अधिकार है, वो लॉयर की एडवाइस ले सकता है, लेकिन लॉयर उसमें शामिल नहीं हो सकता। तो ये बहुत गंभीर सवाल है जिनका देखिए हमें भी जवाब चाहिए और आपको भी चाहिए, आपके दर्शकों भी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हम किसी निष्कर्ष पे अभी नहीं पहुंच सकते, किसी के ऊपर उंगली अभी नहीं उठा सकते। हाँ, चूक हुई है ये हम जरूर, और हम सवाल पूछने के बिल्कुल ही हकदार हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं। जी शरद प्रधान जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ। सिन्हा साहब ने बात कही, बिल्कुल सही कहा कि लॉयर्स को इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए और उम्मीद भी नहीं की जाती है, लेकिन हर तरीके के लोग होते हैं। जर्नलिस्ट को भी बहुत से नए काम करने चाहिए जो करते हैं। और इस केस में उमेश पाल के बारे में ये भी बात सामने आई है कि उमेश पाल जो हैं वो खुद जमीनों की डील्स में इन्वॉल्व थे और उसमें भी इनका इनसे कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपको याद होगा राजू पाल जिनके मर्डर में उमेश पाल विटनेस रहे हैं, वो राजू पाल भी एक अच्छे खासे क्रिमिनल थे उस जमाने के, और ऑफ कोर्स अतीक से बड़े क्रिमिनल नहीं थे वो, और वही लेके उनका भी झगड़ा था। मैं तो शरद जी, लेकिन मेरा सवाल यही है, देखिए मैं कोई भी डीलिंग कर रहा हूं, मेरे खिलाफ मामले दर्ज हों, लेकिन ये सब कानून के तहत रहते हुए, अगर सजा अदालत सुनाए और उसके बाद न्याय अदालत दे तब बात समझ में आती है। इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इसी को कानून का राज कहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि एक अपराधी था, उसको दूसरे अपराधी ने निपटाया, फिर उस अपराधी को निपटाने के लिए एक और अपराधी आया, और इस सब के बीच में जब अपराधी अपराधी को निपटा रहे हैं, उसके बीच में जब ये बात होने लगे कि आसमानी फरमान हो गया है और हमने ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, तो ये कितना गलत है? पाप करने का हिसाब यही होता है, ये भी कहा गया था। नहीं, हिसाब हो लेकिन कानून करे। सौ बात की एक बात यही है। मंत्री ने, यूपी के एक मंत्री ने ये बात कही, बिल्कुल कही थी, उसी दिन कही थी। और बता दो संकेत, इफ यू परमिट, तो मैं एक चीज और बता दूं। एक बात और भी जो है अंदर खाने में ये चल बात हो रही है, ये चर्चा है ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में भी, पॉलिटिशियंस में भी, कि कुछ संदिग्ध लोग जो मंत्री हैं उनका भी अजीब सा सस्पिशियस रोल रहा है इस पूरे कनेक्शन में। अतीक के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग कनेक्टेड रहते थे। अब ये सब बातें जांच के दायरे में आएंगी या नहीं, अब यही देखना होगा कि ये सब बातें जांच के दायरे में आएंगी या नहीं, और ये जो 12 मूल प्रश्न हैं इनके जवाब कब तक मिलेंगे, कब तक प्रदेश को मिलेंगे, कब तक देश को मिलेंगे? क्योंकि अगर आप इसी तरीके से आप ये समझें कि खत्म हो गया है गैंगस्टर का आतंक का अंत हो गया है, ऐसे सोच करके अगर आप, बिल्कुल अंत होना था लेकिन कानून के हिसाब से होना था, कानून के हिसाब से नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है, तो ये 12 मूल प्रश्न हैं जिसका जवाब यूपी पुलिस और यूपी की सरकार से हर किसी को मांगना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।